आज के दिन 1906 में मशहूर रंगमंच कलाकार और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ था। 1928 में मुंबई में पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़े। 1930 में बीपी मिश्रा की फिल्म सिनेमा घर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसके कुछ समय बाद एंडरसन की थिएटर कंपनी के नाटक शेक्सपियर में भी इन्होंने अभिनय किया। लगभग 2 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद पृथ्वीराज को 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर के साथ जुड़े। 1933 में रिलीज हुई फिल्म राज रानी और 1934 में रिलीज हुई फिल्म सीता की कामयाबी के बाद बतौर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। मुगले आजम, आवारा, सिकंदर जैसी फिल्मों में अपने रोबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर पृथ्वीराज ने लगभग 4 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। दीवार, पठान, गद्दार, पैसा इनके बेहतरीन नाटक हैं। पृथ्वीराज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। आज के दिन 1933 में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। सेन ने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें और पर्चे लिखे हैं। इन्होंने अकाल, गरीबी, लोकतंत्र, स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक मुद्दों पर जो पुस्तकें लिखी हैं, वे अपने आप में बेजोड़ हैं। वर्तमान समय में अमर्त्य सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रह चुके हैं। अमर्त्य सेन ने MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली और कॉर्नेल विश्वविद्यालयों में अतिथि विद्यापक के रूप में भी शिक्षण कार्य किया है। 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 2011 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1937 में आज के दिन मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर का जन्म हुआ था। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की थी। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे चलकर वाद्य यंत्र मैंडोलियन बजाने की शिक्षा बाल मुकुंद इंदोलकर से ली। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में इन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनकी जोड़ी संगीतकार प्यारेलाल के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर है। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारसमणि ने इनकी तकदीर बदल कर रख दी। फिर इस जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सावन का महीना, दिल विल प्यार व्यार, बिंदिया चमकेगी, महंगाई मार गई आदि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बेहतरीन धुनें हैं। इनकी जोड़ी ने 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किया था। 1957 में आज के दिन सोवियत संघ ने इतिहास में पहले जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा था। यह जीव रूसी नस्ल की एक कुतिया थी जिसका नाम लाइका था। लाइका को स्पुतनिक द्वितीय नामक उपग्रह के साथ बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना किया गया। उसी वर्ष 4 अक्टूबर को स्पुतनिक प्रथम नामक अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया गया था, जो आज भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उड़ान के शुरुआती घंटों में लाइका बेहद शांत दिख रही थी, हालांकि उसकी हृदय गति और शरीर के दूसरे अंग सही तरीके से काम कर रहे थे। लाइका को अंतरिक्ष में भेजने के पीछे रूसी वैज्ञानिकों का मकसद ये जानना था कि जीवित प्राणी पर सौर विकिरण और भारहीनता का क्या प्रभाव पड़ता है।